जामुन काले काले। ओ भैया, जामुन काले ही होते हैं, तुम्हारे चिल्लाने से गोरे नहीं हो जाएंगे। ये बताओ मीठे हैं या नहीं? अरे मैडम, गुलाब जामुन भी फेल हैं इसके आगे। लो आप खा के देखो, अच्छे ना लगे तो मत लेना। हाँ हाँ ठीक है, बस क्या रेट दिए ये बताओ। 30 का 250 ग्राम, 50 का आधा किलो। ये कौन सी गड़े थे भैया, जब 50 का आधा किलो है तो 25 का 250 ग्राम हुआ ना। अरे मैडम मॉल ना गई हो कभी, वहाँ छोटा पैकेट महंगा और बड़ा पैकेट सस्ते के हिसाब से बेचा जाता है, बस वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाह भैया वाह, अपनी इस छकड़ी को तुम मॉल से कंपेयर कर रहे हो। वहाँ चारों तरफ एसी लगे होते हैं, एसी, और यहाँ देखो तुम खुद तो धूप में खड़े हो और हमें भी धूप में खड़ा कर रखा है। जिस दिन 1 लाख का गल्ला हो गया ना मेरा मैडम, उस दिन अपनी छकड़ी को मॉडिफाई करवा के चारों तरफ एसी लगवा दूंगा, फिर ये जामुन 100 नहीं 200 रुपए किलो बिकेगी। बस बस भैया, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो और सही सही रेट लगाओ। आपको जामुन खरीदनी कितनी है ये बताओ पहले। मुझे आधा किलो दे देना। अरे मैडम कर दी ना छोटी बात, किलो 2 किलो लो तो सस्ते भी करूं, अब आधा किलो तो 50 रुपए ही लगेंगे। हाँ क्या यार भैया, तुम्हारी सुई तो 50 पे अटक गई है। तुम एक काम करो, 30 के 250 ग्राम दे दो मुझे। कंजूसी मत करो मैडम, ज्यादा ले लो, आपको पता है बड़े काम का फल होता है जामुन। अच्छा ऐसी भी क्या खासियत है इसमें? डायबिटीज का नाम सुना है? डायबिटीज हिंदी में शुगर कहते हैं उसे, रामबाड़े इलाज है उसका ये। तो फिर तुम इसे छकड़ी में लगा के रोड के किनारे क्यों बेच रहे हो? इसे किसी डॉक्टर की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे दे आओ, वो दवा की डिब्बी में 2 जामुन भी डाल के दे देंगे। अरे आप तो जामुन को हल्के में ले रही हो, अरे एक बार ट्राई करके तो देखो, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। ओ भैया मुझे जामुन ना टेस्ट के लिए खानी है, मुझे कोई शुगर वुगर नहीं है। बताइए इस जमाने में भी आपको शुगर नहीं है? कोई बात नहीं है, दस्त तो लगते ही होंगे। ओ भैया ये क्या बेहूदी बात कर रहे हो? अरे इसमें कौन सी बेहूदगी वाली बात है मैडम, दस्त तो सभी को लगते हैं और डॉक्टर के सामने बताना भी पड़ता है। तो तुम कौन सा डॉक्टर हो कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं? डॉक्टर नहीं हूँ मैडम, लेकिन तजुर्बा पूरा है। आपको कितने भी पतले दस्त आ रहे हो, बस 150 से 200 ग्राम जामुन दिन में 2 बार खाने कतई बंद हो जाएंगे। आपकी गारंटी है ना भैया, दस्त रुक जाएगा पक्का? अरे हाँ मैडम पूरी गारंटी है, मैंने खुद इस्तेमाल करा है। मेरी भैंस 1 हफ्ते से पतला पतला गोबर कर रही थी, मैंने दिन में 2 टाइम उसे जामुन के पत्ते खिलाए, बिल्कुल ठीक हो गई। भैया वो भैंस थी, मैं इंसान हूँ। अरे मैडम लेकिन हो तो दोनों फीमेल ही ना, मैं तो कह रहा हूँ आप टेंशन फ्री होकर जामुन खरीद लो, अगर रिजल्ट ना आए तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। और बताओ। ठीक है भैया फिर दे दो आधा किलो। जे हुई ना बात। भैया बड़े बड़े जामुन डालो छाट के, ये क्या छोटे छोटे डाल रहे हो? मैडम जामुन तो ऐसे ही बिकते हैं, अगर छाट छाट के लोगे तो 150 रुपए किलो लगेंगे। रहन दो भैया रहन दो, जामुन है कोई टमाटर नहीं कि 150 रुपए किलो ले लूंगी। ये पड़ोस के पेड़ से जामुन तोड़ करके फ्री का माल तुम 100-150 रुपए में बेच रहे हो। अरे ओ मैडम, फ्री का माल नहीं है ये, तोड़ के साफ करके बर्फ में ठंडा करके बेच रहा हूँ, वरना पेड़ से गिरी गरम गरम जामुन खा के लोगों के मुंह ना जल जाएंगे। मुंह जल जाएंगे? अरे भैया मैं जामुन पेड़ से तोड़ने की बात कर रही हूँ, कढ़ाई में से निकालने की नहीं कि मुंह जल जाएगा। अरे मैं भी पेड़ पे लगे गरम गरम जामुन की बात कर रहा हूँ, कहो तो तोड़ के दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, जितने भी जामुन गिरेंगे आपको सब लेने पड़ेंगे 60 रुपए किलो। ठीक है लेकिन अगर जामुन गरम नहीं हुए ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठीक है डंडना डन, हाथ मिलाओ उसी बात पे, रुको अभी लेके आता हूँ। शर्त भूल गए क्या भैया, जामुन ठंडे हैं। ठंडे? मैडम एक तो जामुन खा के दिखाओ। ठंडे हैं? एक और खाओ। क्या हुआ मैडम, जामुन बहुत गर्म है जो फूक फूक के ठंडा कर रही हो? हाँ भैया बहुत ज्यादा गर्म है तुम्हारे जामुन। ये लो अपने 120 रुपए। बहुत चालाक हो भैया तुम, तुम्हारी सारी चालाकी समझ गई मैं। मैडम चालाक हूँ तभी तो दुकानदारी कर पा रहा हूँ, वरना बहुत बहुत धुरंधर लोग आते हैं यहाँ। सही है भैया, बेचते रहो अपने ठंडे गर्म जामुन। जामुन काले काले, जामुन काले काले, जामुन।